बना लेते हैं सेल का इनवॉइस। ये सेल इनवॉइस हमने लिया, एक प्रोडक्ट भी हम ले लेते हैं, सपोज दैट ऑलिव ऑयल मैंने लिया, और ऑलिव ऑयल हम ले लेते हैं 10 लीटर। ये हमने 10 लीटर ले लिया, और 10 लीटर में हम चाहते हैं कि हमारी पैकिंग जो है वो 500 ml की पैकिंग है। तो 500 ml के हिसाब से 10 लीटर के लिए हमारे पास 20 चाहिए, और हर पैक में 4 की पैकिंग है, तो कैसे दिखाएं? तो इसके लिए एक ऑप्शन इनेबल करना है, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। ये कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक किया हमने, कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करने के बाद वापस F12 फिर से प्रेस करें। यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, एक्सपोर्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि प्रोवाइड नंबर एंड काइंड ऑफ पैकेज, इसे आप वाई कर दीजिए, बस हो गया। इसे यस करते हुए, यहाँ से भी सेव करते हुए बाहर निकल जाए। अब आपको एक नया ऑप्शन नजर आएगा, नंबर ऑफ पैकेज। यहाँ पे इसमें आपको फिल कर देना है अपने जो भी पैकेज हैं उसके बारे में। हम चले जाते हैं, और यहाँ आगे बढ़ने के बाद नीचे आते हैं, और यहाँ हमें शो करना है। तो शो करने में जिस तरह के आपको पैकेज हो उस तरह से डालें। मान लीजिए हमारे पास 4 का पैक है, तो हम दे सकते हैं 4 × और जितने हैं। अब 4 में हमारा कितना हो जा रहा है, 2 kg हो जा रहा है, और हमें टोटल कितने चाहिए, 10 kg चाहिए। हमने डाल दिया 4 × 5 कार्टून, ये हमने कार्टून लिख दिया। अब ये प्रिंट होगा, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ गए, यहाँ पे टैक्स लेजर लगाएंगे, ये हमने टैक्स लेजर लगा दिया, और अब इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट के लिए अल्ट की दबाएंगे, वाई करेंगे, जूम के लिए अल्ट जेड दबाइए, जूम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ नजर आ रहा है एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, नंबर एंड काइंड्स ऑफ पैकेज 4 × 5 कार्टून, यानी 4 × 5 का कार्टून है इसमें, जिसमें 4 के हिसाब से 5 कार्टून दिए गए हैं। तो इस तरह से आप अपने इनवॉइस में पैकेज की डिटेल भी फिट कर सकते हैं। और जानने वाली बात यह है दोस्तों कि ये आपके स्टॉक को मेंटेन नहीं करता, ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए है। तो कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि अगर आप ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो ये यूनिट की तरह ट्रीट होगा। जी नहीं, ये यूनिट नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें आप शो कर सकते हैं कि आपने पैकेज कैसा लिया है, या कह सकते हैं कि ये एक तरह का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि किस तरह की पैकेज आपने इस्तेमाल किए हैं, किस तरह की पैकिंग आपने की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपके लिए काफी